अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाकिफ़ से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ शफकत भाई के फार्म पे। तो आपको वीडियो मिल चुकी होगी कि आज हमने वैक्सीन करनी थी। तो वैक्सीन का टाइम जो हमने रखा था वो तकरीबन हो चुका है पूरा। तो रात को इनको पानी रखा हुआ था, आपके आपने देखी होगी वीडियो, इनको ताकत के लिए रखा था पानी। वो तो वो पानी चूजों ने पी चुके हैं। तकरीबन 3 बजे के हमने ये डब्बे निकाल के बाहर रख दिए हैं। तो इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 4:30 बज रहे हैं। तो 3 बजे के ये डब्बे बाहर निकाल के रख दिए। अब इनको करेंगे अच्छे तरीके से वॉश। वॉश करने के बाद फिर हम इसमें जो हमने वैक्सीन करनी है वो डालनी है, इसमें पानी डालेंगे, फिर वो मेडिसिन जो इनको डालनी है वो ऐड करके इसमें रखेंगे हम। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट इसका प्रोसीजर कि डब्बों को वॉश करना है। वॉश करने के बाद इसमें मेडिसिन डालनी है, पानी डालना है, कितना डालना है, किस हिसाब से डालना है, वो सारा आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखें, यहाँ पे डब्बे जो हैं वो धोए जा रहे हैं, इनको वॉश करना है अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद फिर इसमें पानी भरना है। तो फ्रेंड देखें, डब्बे जो टैंक है उसको धोने का असल तरीका ये है, अगर पाइप के साथ आप इसको वॉश करेंगे धोएंगे तो पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। तो पानी को ज़ाया करने से बचाएं, एक बाल्टी में पानी भर लें और उसके साथ इनको वॉश करें अच्छे तरीके से, ताकि पानी जो है वो ज़ाया ना हो, क्योंकि कभी कभी लाइट भी चली जाती है। तो बेहतर है कि आप बाल्टी वगैरह पहले भर लें। हाँ जी, मत भूलें, ये पाकिस्तान है, लाइट जो है वो किसी भी टाइम जा सकती है। बेहतर है अपने पानी का बंदोबस्त पहले करें। आपको पता है हमने ये काम करना है तो हमें इसलिए इसके लिए इतना पानी चाहिए, वो पहले से अपने पास स्टॉक करें, ये ना हो कि इन टाइम पर लाइट चली जाए। तो फ्रेंड देखें, ये पानी डाला जा रहा है टब में, तकरीबन ये 15 लीटर पानी इसमें डालना है टब में। 15 लीटर में हमने वैक्सीन जो है मिक्स करनी है। तो ये दिन का टाइम है, इसको धूप से बचाना है, आपने रखना है अंदर धूप से बचा के। तो उसके बाद जो प्रोसीजर है इसका मेडिसिन वगैरह डालने का, वो शफकत भाई से पूछेंगे। तो ये एक दफ़ा पानी डाल लें, 15 लीटर पूरा कर लें, तो उसके बाद इनसे बात करते हैं जाके। तो फिर शफकत भाई ने पानी में अब बर्फ़ डालना स्टार्ट कर दी है। इसमें बर्फ़ जो है ज़रूरी होती है मेरे ख्याल से, बाकी हम शफकत भाई से पूछेंगे कि ये बर्फ़ डालना ज़रूरी है कि नहीं। हाँ जी शफकत भाई, दस्यो बर्फ़ पाना ज़रूरी है? हाँ जी जी बिल्कुल, इस पानी में बर्फ़ लाजमी पानी है, जिन्हें भी हो सके पानी सा अपना पानी अच्छी तरह ठंडा हो जाए। अच्छा, मतलब पानी को चंगी तरह जरा ठंडा करना, बिल्कुल ठंडा हो पानी। सही। तो जो तुम पीछे डब्बे रखे हैं ये थोड़े को 30 आ, तो मेडिसिन जी तुम बना लगे पानी आ ये है 15 लीटर, तो किन्ना किन्ना पानी आएगा दोबारा इन्हों में? पानी फिर जो मग पीछे ना साढ़े को। हाँ जी, अद्धा अद्धा मग पावे। ठीक हो गया, एक कैन के अद्धा हो मग पाओगे। ये है कि कम से कम 2 घंटे में पानी पी रहे, मतलब जिन्नी जल्दी खत्म हो उतना बेहतर है। ए देखो, वैक्सीन फ्रिज के रखा सी और उस तो बाद ये भी बर्फ लाई हुई थी कि इनू जरा भी कोई वो ना हो। सही, मतलब वैक्सीन जी फ्रिज ही रखे। हाँ जी, और इन फ्रिज ही रखी था ठंडा। हाँ जी सही। हाँ देखो जी, अच्छी तरह माशाल्लाह पैकिंग बहुत जबरदस्त लग रही है। हाँ जी, ये है 2 वैक्सीन। ठीक हो गई, ठीक है। देख रहे हैं ये है, 2 हैं, ये लैदा लैदा है, ये केड़ी केड़ी है जी? आ है NDIV। NDIV। हाँ जी, आ गंबोरो जी। गंबोरो, गंबोरो आ लिखिया NDIV। सही हो गया जी। और आ है गंबोरो। सही। हाँ जी, ऐसी ऐ 10वें दिन करांगे हम, ऐसी 12वें दिन करांगे हम। सही। और जी आ लिया वैनो ऐसी आज, मतलब आज केड़ी करनी है तुसी? आज ऐ ली करनी है NDIV वाली। NDIV। सही हो गया। ए 2000 चूदे दी एक वैल आ, तीन वैल आ ना, 6000 चूजे वास्ते, लेकिन असि 5000 चूजे नु करांगे असि। ठीक हो गया। हां जी, पानी सी रखना। अरे किन्ने की मिल जांदी है मेडिसिन? एक्सपेंसिव है, महंगी है या? मेडिसिन है तकरीबन, ये जेडी दोनों मेडिसिन ना, एक कम से कम है 6500 रुपए की है तकरीबन। सही हो गया। तो देखिए फ्रेंड, ये पानी हो रहा है ठंडा, इसको अच्छे तरीके से ठंडा करना है। आपने देख लिया, वैक्सीन भी जो है वो बर्फ में रखी हुई थी फ्रीजर में ऊपर,
ताकि ये जो है अच्छे तरीके से ठंडी रखना है, इसको गर्म नहीं होने देना। ये देखने इसके अंदर ही, शॉपर के अंदर भी ये बर्फ पड़ी हुई है, ताकि ये गर्म ना हो, इसको ठंडा रखना है। तो अब करेंगे अच्छे तरीके से पानी को ठंडा, फिर इसमें ऐड करेंगे मेडिसन। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसन को आपने धूप की शुआओं से बचाना है। जब आपने चूज़ों को ये डालनी है तो उस वक्त आपने तरपालें वगैरह जैसे ये वाली लगी हुई है इनको ऊपर कर देना है, ताकि धूप अंदर ना आए। वो देख रहे हैं आप सामने, धूप अंदर आ रही है यहाँ से। तो वैक्सीन रखने से पहले तरपाल को ऊपर करना है, ताकि धूप जो है वो अंदर ना आए, धूप नहीं लगनी चाहिए इसको। तो थोड़ी मेडिसन पानी इसलिए रखना है ताकि ये अभी एक दो घंटों में ये ख़त्म कर लें, जितनी जल्दी ये ख़त्म करेंगे उतनी ही ठीक रहेगा, मतलब ठंडी ठंडी जो है वो पी लें। अब इनको प्यास लगवाई हुई है तकरीबन 2 घंटे से, 3 बजे से इनका पानी जो है बंद किया हुआ है। तो अब 5 बज तकरीबन 5 बज चुके हैं इस टाइम, तो 2 घंटे हो चुके हैं। तो फ्रेंड देख लें जो पानी जो है वो अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मेडिसन। हाँ जी, ये देख सकते हैं बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है अच्छे तरीके से, ये पिघल चुकी है पानी में, मिक्स हो चुकी है। शफकत भाई के हाथ ठंडे हो गए हैं, जिस वजह से हाथ काम नहीं कर रहे अब। तो अब इसमें ऐड करेंगे ये मेडिसन। ये देख लें अच्छे तरीके से ये मिक्स करके इसमें पानी में ऐड कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये मेडिसिन वाली जो शीशियाँ, ये आपने अपने पास नहीं रखनी, इनको आपने कहीं दूर फेंक के आना है। अंदर पाउडर होता या लिक्विड ही होता? पाउडर पाउडर होता है। तो देख लें फ्रेंड्स, सारी ऐड कर दी है पानी में। अब पानी को अच्छी तरह से हिला के मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी में अब अच्छे तरीके से इसको हल कर लेना है, मिक्स कर लेना है जो हमने वैक्सीन इसमें ऐड की है। तो फ्रेंड देखें, ये आधा आधा कप जो है इसमें जाएगा एक कैन में, क्योंकि ये 15 लीटर है तो 30 कैन हैं, तो हाफ हाफ लीटर जाएगा सब में। फ्रेंड ये देखें, वैक्सीन माशाल्लाह से पूरी पूरी आई है सब में। तो अब डाल रहे हैं लास्ट में। ये हो गई 15 लीटर पूरी 30 वाटर कैन में, इनको डाल दिया है। तो अब जो ये तरपाले वगैरह हैं ये ऊपर करनी है, ताकि धूप जो है वो अंदर ना आए, धूप वाली साइड से इसको कवर करना है पहले, फिर इनको रखना है चूज़ों के आगे पानी को। तो फ्रेंड देखें, ये पानी जो है रखना स्टार्ट करने लगे हैं, ये पहले एक दफ़ा अंदर रखेंगे और उसके बाद इनको तरतीब से लगाएंगे। तो देखें फ्रेंड, सारी कैन वाटर कैन जो है वो अंदर आ चुकी हैं। तो अब इसको रखना है तरतीब के साथ। ये देखें, शफकत भाई ने रखना स्टार्ट कर दिया है। चूज़े देखें प्यासे हैं, वो पानी की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो कैने अभी रखी नहीं है, इसलिए वो इकट्ठे हुए हैं एक साइड पे। तो देखें, वैक्सीन इनको रखी जा रही है अब।
ये सारे एक तरफ इकट्ठे हो गए हैं, अभी इनको पता नहीं चला कि इधर रखना स्टार्ट रख दिया है पानी। अभी देखें ये आना स्टार्ट हो गए हैं, पीना इन्होंने स्टार्ट कर दिया पानी। ये देखें जी, तो फ्रेंड देखें ये थोड़ी सी जगह पे धूप आ रही है, तो इस जगह पे हमने पानी नहीं रखना, इसको थोड़ा सा साइड पे करके रख देना है ताकि इस पर धूप जो है वो ना पड़े, क्योंकि ठंडा पानी है, इसको गर्म नहीं होने देना, जितनी देर ठंडा उतनी जल्दी जल्दी ये पी लें ठंडा ठंडा, तो उतना ही ये फ़ायदेमंद है इनके लिए। माशाल्लाह चूज़ा आपके सामने एक्टिव है सारा। तो फ्रेंड देखें ये चूज़े जो हैं प्यासे हैं, तो इन्होंने पानी पीना जो है वो स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि 3 बजे से लेके अभी तक इनको पानी नहीं डाला था, तो अब इनको रख दिया पानी, तो ये हो गए हैं पीना स्टार्ट। तो देख लें फ्रेंड, ये आपने देख लिया वैक्सीन का मुकम्मल तरीका कि चूज़े को वैक्सीन कैसे करनी है। तो फ्रेंड माशाल्लाह से आपने देख लिया चूज़ा सारा एक्टिव है, और सारे वैक्सीन का प्रोसीजर आपने देख लिया है, कैसे वैक्सीन को तैयार करना है, कैसे इसको प्यास लगवाने के बाद आपने रखना है, वो सारा प्रोसीजर पानी को ठंडा करके उसमें वैक्सीन ऐड की है, वैक्सीन भी आपने देख लिया कि उसको भी बर्फ़ के अंदर ही रखना है, तो वो सारा प्रोसीजर आपने वीडियो में देख लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि इसको वैक्सीन कैसे करते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।